इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को आज 41वां दिन हो गया है। इस युद्ध में दोनों देशों के कई मासूम लोगों की जान गई है, लेकिन अधिक प्रभावित फिलिस्तीन के नागरिक हुए हैं और कई लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा। इसी बीच कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर युद्ध से प्रभावित हुए फिलिस्तीन के निर्दोष और मासूम लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसमें भारत ने भी वहां के लोगों के लिए मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। इस बारे में बात करते हुए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात कर वहां के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। उन्होंने आगे कहा कि यह समय है कि ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। एक्सलेंसी, वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इसराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं, तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सलेंसी, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि आज दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सलेंस का उद्घाटन हो रहा है।